छात्रों, बीएसएससी सीजीएल में साइंस के टेस्ट में 41 नंबर सेट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चे, लगातार मेरा प्रयास यही रहा है कि आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको आप अच्छे से कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त करने में ये प्रश्न आपके लिए सहायक हो पाए। उसी संदर्भ में ये देखिए क्वेश्चन, हम चलते हैं सीधे, आपको क्वेश्चन बहुत आगे है, इसके सीधे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप बनाने में काम में ली जाती है? तो यह परावर्तन है। आपको पेरिस्कोप में ध्यान में रखिएगा, पेरिस्कोप में क्या होता है, तो पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, समतल दर्पण होते हैं और दो समतल दर्पण होते हैं, ये एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है, ठीक है, कोण पर झुका रहता है और इसी का उपयोग हम लोग करते हैं, क्या झुका रहता है, इसका उपयोग बंकर से सतह पर देखने में या कह सकते हैं या पनडुब्बी से सतह पर देखने में करते हैं, ध्यान में रखिएगा इसको, सतह पर देखने में करते हैं, ठीक है बच्चे। अब देखिए अपवर्तन क्या होता है, तो एक माध्यम से चली प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश की, तो या तो ये क्या होगा, अपने मार्ग से इधर की ओर विचलित हो जाएगा या इधर विचलित हो जाएगा। सघन से विरल में अगर जाएगा तो अविलंब से दूर भागेगा और विरल से सघन में आएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा। तो प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसका क्या होना, अपने मार्ग से विचलित होना, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है बेटा, वर्ण विक्षेपण होता है प्रकाश का सात रंगों में टूट जाना। इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। चलिए ध्रुवन क्या होता है, तो बच्चे जब किसी माध्यम से प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं तो उस माध्यम के कारण वह प्रकाश एक दिशिक हो जाएगा, यानी यूनिडायरेक्शनल हो जाना, यानी व्हेन लाइट पास थ्रू एनी मीडियम देन इट बिकम्स टू बी यूनिडायरेक्शनल, एक दिशिक हो जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, तो बच्चे इस घटना को ही हम ध्रुवन कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में आती है, तो यह परावर्तन होगा, एकदम याद रखिएगा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है, आपको याद रखना है। आंसर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज यूज टू मेकिंग ए पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने के लिए हम, ठीक है, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं और समतल दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करेगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण होते हैं जो एक दूसरे से, ठीक है, कितना पर, आपको 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक आपतित किरण एक समतल दर्पण से परावर्तित किरण के माध्यम के मध्य कोण 60 डिग्री है। ये देखिए क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि देखिए आपका एक आपतित किरण यहां देखिए, ये आपतित किरण ले लिए, और दूसरा क्या कह रहा है कि परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है, इसके बीच का कोण आपको दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है, कितना डिग्री है भाई, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है, परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष कितने कोण से विचलित हुई, तो परावर्तित किरण आपतित किरण, तो बच्चे ये देखिए ये कितना डिग्री का कोण होगा, ये 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा,
ये कितना डिग्री हुआ, तो 60 डिग्री। अब देखिए कह रहा है यहाँ से विचलन, विचलन जब भी होगा तो यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो कह रहा है कि परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष कितने कोण से विचलित हुई। तो परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तो आपतित, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण से के सापेक्ष कितने कोण से विचलित हुआ। तो बेटा ये देख लीजिए 30 डिग्री 30 डिग्री तो है ही है, तो ये कितना विचलित हुआ, तो ये देखिए यहाँ पर आपतित हुई, आपतन कोण कितना 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर इसका ये अभिलंब और इसके बीच नहीं, सतह पर जो आपतित हुई है प्रकाश की किरण वो कितने डिग्री से, तो 60 डिग्री से, तो 60 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 प्लस 30 डिग्री, अब +30 डिग्री कुल मिलाकर के ये विचलन जो है, डिफ्लेक्शन जो है वो कितना हो जाएगा, तो 100, ठीक है, 120 डिग्री। बच्चे इसका एक और निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है, ठीक है, क्या है निकालने का तरीका, तो बच्चे विचलन डेल्टा बराबर क्या करते हैं, तो 180 डिग्री माइनस, ठीक है, जितना ये एंगल है, जितना आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जितना है उसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस आई प्लस आर, ये आसान तरीका है निकालने का, ठीक है, ये देखिए डिफ्लेक्शन, ठीक है, कितना से विचलित हुई, तो विचलित हुई 180 डिग्री माइनस 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये आसान तरीका है निकालने का, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखिएगा, देखिए किस तरह से मैंने बनाया है आपको ये, ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन यानी आपको जो कोण, विचलन कोण जो है वो कैसे निकलता है वो यहां मैंने आपको बताया है निकाल करके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये देखिए एक कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉन पर होता है, तो आसान क्वेश्चन है बच्चे, कई बार बताया वो मैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन पर होगा, कैसे, तो आपको पता है एक कूलम्ब आवेश, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश करिए पहले कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, और एक कूलम्ब कितना पर होगा, एक कूलम्ब 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, निकाल लीजिए बेटा इसको, तो 6.25 × 10⁻¹⁸ निकलेगा, इतना इलेक्ट्रॉन्स पर एक कूलम्ब आवेश होगा, ठीक है। आवेश आपको पता है मुख्य रूप से बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश कितने प्रकार के, तो फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक हो गया कौन, तो बच्चे धनात्मक, और दूसरा हो गया ऋणात्मक आवेश, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, और आपको ये किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, किसी वस्तु पर कुल आवेश जो होता है वह प्लस माइनस एन ही होता है, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा बच्चे, क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई होता है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, एक कूलम्ब आवेश कितना पर होगा, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है नेत्र लेंस पर एक अपारदर्शी झिल्ली बन जाती है जो दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव देती है। बच्चे आपको क्या होता है कि जैसे ही बुढ़ापा बढ़ता है, बुढ़ापा के बढ़ने पर, ठीक है, नेत्र गोलक के ऊपर एक पतली परत चढ़ जाती है, नेत्र गोलक के ऊपर क्या होगा, एक पतली परत चढ़ जाती है जिससे नेत्र दृष्टि प्रभावित होती है, ठीक है, ये जो परत चढ़ा उसी परत को हम क्या बोलते हैं बच्चे, मोतियाबिंद कहते हैं, कैटरैक्ट कहा जाता है, ठीक है, तो बुढ़ापे के बढ़ने से नेत्र गोलक के ऊपर एक पतली परत चढ़ जाती है जिसके कारण नेत्र दृष्टि प्रभावित होगी और इसे ही मोतियाबिंद कहा जाता है। जरा दृष्टि दोष पर आते हैं, जरा दृष्टि दोष में क्या होगा, तो बच्चे निकट और दूर दोनों, ठीक है, दृष्टि प्रभावित रहती है, ठीक है, तो निकट भी प्रभावित रहेगा और दूर भी प्रभावित रहेगा, दूर दृष्टि प्रभावित होती है, ठीक है। दृष्टि वैषम्य एस्टिगमेटिज्म कहते हैं इसको, इसमें क्या होगा, वर्टिकल अच्छा नहीं होगा, वर्टिकल दृष्टि जो है आपको प्रभावित होगी, दृष्टि प्रभावित, जबकि आपका जो है
हॉरिजेंटल ये क्या होगा, अप्रभावित रहता है, अप्रभावित रहता है, एकदम याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट अच्छा दिखेगा लेकिन दूर प्रभावित होगा। इसका उपाय क्या है, तो अवतल लेंस का चश्मा है, जबकि दृष्टि वैषम्य में क्या क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष में क्या करेंगे, तो बच्चे जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस के चश्मे का उपयोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कारण निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है, जो हमेशा क्या होगा, बिंब से छोटा होता है। तो बच्चे आपको पता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, वस्तु के बराबर आकार का होता है और आकार का होता है, और यह हमेशा आभासी होगा, बराबर आकार का और हमेशा कैसा होगा, आभासी, आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। उत्तल लेंस वस्तु से छोटा बनाता है प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा, ठीक है, हमेशा प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, वस्तु से छोटा बनाएगा। अवतल लेंस ये क्या करेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा भी बनाएगा और छोटा भी बनाएगा, और ठीक है बच्चे, वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर भी बनाएगा, ठीक है, बराबर भी बनाएगा, लेकिन ये बनाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, वस्तु से हमेशा बड़ा बनाएगा, आभासी हमेशा वस्तु से बड़ा बनाएगा, आभासी क्या बनाएगा, आभासी वस्तु से बड़ा बनाता है, ध्यान में रखिएगा, वस्तु से बड़ा बनाता है। कौन, तो अवतल दर्पण, बोलते हैं अवतल लेंस, अवतल दर्पण भी यही सेम चीज होता है, अवतल दर्पण में भी, ठीक है, वास्तविक बनाएगा तो वस्तु से बड़ा, छोटा, ठीक है, बराबर और वास्तविक बनाएगा, ठीक है, आभासी वस्तु से हमेशा क्या करेगा, बड़ा बनाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है कि एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है, तो उत्तल बोलते हैं, कौन हो गया, अवतल लेंस बेटा, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस क्या होगा, तो अवतल लेंस जो है ना वस्तु से छोटा, ये हम उत्तल दर्पण समझ गए थे, तो उत्तल दर्पण जो है वो क्या करेगा, उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, लेकिन उत्तल लेंस क्या होगा, तो अगर वास्तविक बनाता है तो वस्तु से बड़ा, छोटा, बराबर ये सभी बनाएगा। जब आपको क्या करेगा, आभासी वस्तु से बड़ा बनाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, एकदम सिंपल कंसेप्ट है बेटा। क्या है कंसेप्ट, कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का वही चीज होगा जो क्या होगा आपको, उत्तल लेंस का होगा, उत्तल लेंस, दोनों के द्वारा अगर वास्तविक बनेगा प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक बनेगा और आभासी बनेगा, एकदम याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, ठीक है, वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या होगा, बड़ा भी बन सकता है, बड़ा, छोटा और बराबर बनेगा, ये तीनों कंसेप्ट हो सकता है आपको, बड़ा भी बन सकता है, ठीक है, आपको बराबर भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, आभासी हमेशा बड़ा बनेगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखिए, ठीक है, आपको अवतल, अवतल लेंस, अवतल लेंस और एक और ले लीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, ये हमेशा प्रतिबिंब बनाएगा आभासी और वस्तु से छोटा, एकदम ध्यान में रखिएगा बेटा, वस्तु से छोटा बनाएगा, ठीक है। और समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण ये बनाएगा, ये भी आभासी, लेकिन ये क्या बना, वस्तु के बराबर आकार का, वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा, कुछ है ही नहीं। चल आगे बढ़ते, तो आंसर क्या होगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं, करा किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। बच्चे सेल, सेल में ये देखिए, ये है, ये आपको, आपको मैंने कई बार बताया है कि देखिए ये धनात्मक ध्रुव है और ये ऋणात्मक है, तो आपको खुले परिपथ में, ध्यान दीजिएगा, खुले परिपथ में, कौन परिपथ है, खुले परिपथ, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड, खुले परिपथ में एनोड से, एनोड से कहां, एनोड से कैथोड की ओर ले जाने में, कैथोड की ओर, और एक कूलम्ब आवेश को ले जाने में, ले जाने में कार्य, कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। इसके दोनों टर्मिनलों के बीच का बल, सेलों के प्लेट के मध्य वाली धारा, खुले परिपथ पर दोनों टर्मिनलों के बीच अधिकतम वोल्टता को हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। यानी एकदम ध्यान में रखिएगा कि एक कूलम्ब आवेश को बैटरी के धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर ले जाने में
खुले परिपथ में जितना वर्कडन करना पड़ता है उसी वर्कडन को हम ईएमएफ कहते हैं। और ईएमएफ बराबर क्या होगा, तो बच्चे ईएमएफ बराबर हो जाता है ठीक है, एनर्जी अपॉन क्या हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा, और जूल पर कूलम या इसी को वोल्ट कहते हैं, वोल्ट ठीक है। अच्छी बात है, आगे देखते हैं। 10 एम्पियर की धारा के द्वारा एक घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होगी, कोई बात नहीं है 10 घंटा बोल रहा है बच्चे, स्थानांतरित आवेश की मात्रा क्या होगी 10 एम्पियर धारा, तो क्यू बराबर क्या होता है आई टी, तो आवेश हो गया, और ये देखिए आई का मतलब क्या होगा, आई मतलब 10 एम्पियर दिया हुआ है, और घंटा बोला कितना एक घंटा कर लीजिए, एक घंटे को सेकेंड में बदल लेते हैं, 10 गुना एक घंटा में 60 मिनट गुना 60 सेकेंड 36 गुना क्या होगा 10^3 कूलम्ब हो जाएगा, या 3.6 गुना 10^4 कूलम्ब, देखिए कहाँ पर है ठीक है, 3.6 × 10^4 कूलम्ब हो जाएगा, तो एकदम आसान सवाल है। क्यू बराबर आई टी एक घंटा है, घंटा को सेकेंड में बदल लिए, कुछ नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। घरों में अधिकतम 15 एम्पियर की धारा के लिए विद्युत वितरण, देखिए घरों में दो तरह के फ्यूज का प्रयोग हम लोग करते हैं, फ्यूज क्या होता है तो विद्युत फ्यूज बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, विद्युत फ्यूज क्या होगा, तो विद्युत फ्यूज जो है आपको अधिक विद्युत धारा के प्रवाह को सर्किट से गुजरने पर रोक देता है, विद्युत धारा के प्रवाह को सर्किट से प्रवाहित होने पर रोक देता है, सर्किट से ठीक है प्रवाहित नहीं होने देता है, करिए नहीं होने देता है, खुद गलकर समाप्त हो जाता है, नहीं होने देता है बच्चे, इसे फ्यूज कहा जाता है, आपको याद रखिएगा। और ये विद्युत फ्यूज किसका बना होता है, तो विद्युत फ्यूज बना होता है, एकदम याद रखिए, विद्युत फ्यूज बना होता है लेड और टीना का, लेड पीबी और टीना एसएन, और लेड कितना परसेंट होता है तो बच्चे 63% लेड होता है, टीना कितना तो 37% टीना होता है, और विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है, यह विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, और उष्मीय प्रभाव क्या होता है बच्चे, H बराबर क्या होगा I²RT, इस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, कुछ है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा 63%। और चूंकि विद्युत फ्यूज का गलनांक भी निम्न होता है और इसका प्रतिरोध उच्च होता है, लेकिन गलनांक निम्न को ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, कह रहा है एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से नियम का प्रयोग करते हैं, तो जनित्र बोल रहा है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। यहां देखिए बच्चे, दो तरह की बातें होती है, एक होता है विद्युत मोटर और दूसरा होता है क्या आपको विद्युत जनरेटर। विद्युत मोटर में क्या होता है, ये देखिए आपका ये थंब है और ये आपका क्या है फोरफिंगर है और ये आपका क्या है मध्यमा है, मान लेते हैं ठीक है, ये मिडिल फिंगर और ये क्या हुआ, ये बायां हाथ है ठीक है, ये दायां हाथ ये इधर ले लीजिए अंगूठा, इधर ले लीजिए आपको फोरफिंगर, इधर ले लीजिए क्या मिडिल फिंगर, ये फोरफिंगर है ठीक है भाई, तो दोनों में फोरफिंगर जो है बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, ये वाला फोरफिंगर जो है दोनों में आपको क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। मिडिल फिंगर में यहां पर क्या हुआ, आपको धारा दी गई धारा की दिशा कौन बताएगा, आपको बताएगा आपका मिडिल फिंगर, जबकि यहां पर आपको पहले यहां हम घुमाए इसको थंब की दिशा में, ये थंब है आपका, थंब की दिशा में क्या लगा तो बल लगा, बल आघूर्ण की दिशा किधर होगी, थंब की दिशा में इधर की तरफ, और आपको अपने आप यहां पर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी किस दिशा में, तो आपके मिडिल फिंगर की दिशा में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और यहां पर आपको क्या होगा अपने आप बलाघूर्ण क्या होगा उत्पन्न होगा, यानी आपको विद्युत मोटर में
बलाघुण की दिशा यानी बल की दिशा को बताएगा कौन, तो बल की दिशा बताता है आपको बाएं हाथ का नियम यानी विद्युत मोटर। और आपको विद्युत जनित्र में क्या होगा कि जब हम एक बल लगाएंगे थंब की दिशा में, अंगूठा की दिशा में, ये आपका अंगूठा है अंगूठा की दिशा में, तो ठीक है तर्जनी की दिशा में क्या होगा, तो तर्जनी की दिशा में लगेगा चुंबकीय क्षेत्र। और ठीक है मिडिल फिंगर की दिशा में क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होगा जिसे हम सर्किट द्वारा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यह फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट, कहा प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। देखिए प्रतिरोध की इकाई क्या होगी, ओम हो गई, और प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर। बच्चे प्रतिरोध समानुपाती लंबाई के, प्रतिरोध समानुपाती 1/ क्षेत्रफल के, दोनों को मिला देते हैं, आर बराबर रो एल अपॉन ए हो गया। तो रो बराबर क्या होगा, आर इंटू ए, आर इंटू ए अपॉन क्या हो गया एल, यहां देखिए ओम इंटू मीटर स्क्वायर बटे क्या हुआ मीटर, काट दीजिए ओम मीटर, यानी प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो गया ओम इंटू मीटर। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का उसके घटकों में, घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, तो ये वर्ण विक्षेपण कहलाएगा बच्चे, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का 7 रंगों में टूटना वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ जाना, प्रकाश का अवरोध के किनारों से मुड़ जाना, अवरोध के किनारों से मुड़ना ये क्या कहलाता है, किनारों से मुड़ना, एकदम ध्यान में रखिएगा किनारों से मुड़ना, ये कहलाएगा आपको विवर्तन। मुड़ना विवर्तन कहलाता है। और अपवर्तन, आपको पता है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कर पीएसएलवी रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चे पीएसएलवी रॉकेट में हम आजकल क्या करते हैं, तो दो स्तरीय रॉकेट होता है, यहां देखिए 4 लेवल पर इसमें होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, ये 4 लेवल पर हम इसमें ईंधन का प्रयोग करते हैं बच्चे। ठीक है, आपको क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड फ्यूल का यूज करेंगे, जिसमें जनरली आजकल यूज किया जाता है STPB, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। फिर किसका प्रयोग करेंगे बच्चे, तो ये देखिए यहाँ पर लिक्विड का प्रयोग कर दीजिए, फिर किसका प्रयोग करते हैं, फिर लिक्विड का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, और फिर किसका प्रयोग करते हैं, तो सॉलिड का प्रयोग करते हैं। लिक्विड में किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का, द्रव हाइड्रोजन और प्लस द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे ये 2 लेवल के रॉकेट होते हैं, रॉकेट में 4 स्तरीय ठीक है ईंधन का प्रयोग किया जाता है बच्चे, यानी 4 लेवल ईंधन का प्रयोग हम लोग करते हैं। और पीएसएलवी का मतलब क्या हुआ, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ पर 3-4 शब्द है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं इसको, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। और यहाँ पर आपको क्या होगा, तो बच्चे ईंधन में किसका प्रयोग, तो रॉकेट में जिस ईंधन का प्रयोग करते हैं उसे प्रणोदक कहते हैं। ठीक है, रॉकेट क्या होता है, तो रॉकेट आपको किसी भी वस्तु को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए जो साधन का प्रयोग करते हैं उसे रॉकेट कहा जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो बच्चे यहां देखिए स्टार्च जो है, स्टार्च ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, किसमें, जंतु में संचित रहता है और सेलुलोज पादप में संचित रहता है। सेलुलोज भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सेलुलोज ध्यान दीजिए, सेलुलोज ये भी क्या हुआ, सेलुलोज ये भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ठीक है, यह पादप कोशिका भित्ति का बना होता है, यह पादप कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। स्टार्च और नायलोन क्या है, तो नायलोन जो है ये आपको बहुलक नहीं है। नायलोन है क्या, नायलोन है हेक्सामिथिलीन डायमीन प्लस एडीपी के एसिड का बहुलक है, एडिपिक एसिड का बहुलक है। ठीक है, और यहां देखिए पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, ये विनाइल क्लोराइड का बहुलक है।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, स्टार्च और सेलुलोज दोनों प्राकृतिक बहुलक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा गर्म विधि से तेल या वसा में साबुनीकरण। देखिए ठंडा विधि से अगर करेंगे तो KOH, ठंडा विधि द्वारा साबुनीकरण के निर्माण में, ठंड विधि में आपको किसका, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन गर्म विधि सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चे उच्च वसीय अम्ल में जब हम, आप जोड़ दीजिए किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो ये क्या होगा, तो आपको साबुन प्राप्त होगा और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, कड़ा साबुन प्राप्त होगा और ग्लिसरॉल प्राप्त होगा, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। तो ग्लिसरॉल जो है साबुन के निर्माण में उपोत्पाद है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहते हैं, HCl, इसको म्यूरेटिक एसिड कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक हो गया, साधारण नमक कहते हैं इसको, ठीक है। यहां देखो उत्पादक गैस निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बच्चे आपको लाल तप्त कोयले पर कोयले पर अगर आप क्या कीजिए, N2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बन जाएगा कौन, प्रोड्यूसर गैस। और अगर H2 गैस प्रवाहित करते हैं, जलवाष्प, प्रवाहित करते हैं, ये बन जाएगा आपको जल गैस, वाटर गैस, CO+H2। तो CO+H2 हो गया क्या, ये हो गया जल गैस और प्रोड्यूसर गैस हो गया CO+N2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस आपको नाइट्रोजन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन, शीतलकों का फ्रियोन समूह क्या होता है। तो बच्चे फ्रियोन का मतलब क्या होता है, फ्रियोन का मतलब हो गया आपको CCl2F2, इसको क्या बोलते हैं, तो डाइफ्लोरो मीथेन कहते हैं। और ये क्या है, तो ये गैर विषैला है, विषैला नहीं है बच्चे, लेकिन ज्वलनशील गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है। गैर विषैला और ज्वलनशील गैस है, उपयोग किस में करेंगे, शीतलक में प्रयोग। निम्न में कौन सी अभिक्रिया उपोपचय अपचयोपचय नहीं है, बच्चे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है, नहीं है। यहां देखिए 2KClO3, 2KCl प्लस 3O2, यहां देखिए 2KCl में ऑक्सीजन घट गया तो इसका रिडक्शन हो गया, और इसमें ऑक्सीजन बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। 2KBr और Cl2, 2KCl प्लस Br2, यहाँ देखिए 2K में क्लोरीन आके जुड़ रहा, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, तो आपको ये कहलाएगा, आपको ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन Cl2 देखिए, Cl2 में ठीक एक Cl का मान घट गया, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या में कमी आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो पहले ये समझ लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन है क्या, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, तो रिडॉक्स रिएक्शन है कि ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। और ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि, ऑक्सीजन की संख्या में कमी, ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या में अगर वृद्धि होगा तो ऑक्सीडेशन, और विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या में कमी होगा तो रिडक्शन। विद्युत धनात्मक, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की संख्या में अगर वृद्धि कमी होगा तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रो ठीक है पॉजिटिव एलिमेंट की संख्या में वृद्धि होगा तो क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन कहेंगे। तो यही बात ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए मैंने क्या कहा कि 2KClO3 में ऑक्सीजन घट रहा है तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, यही कहा ना मैंने, रिडक्शन हो गया। और लेकिन इसमें यहाँ 3 ऑक्सीजन था,
यहाँ पर एक ऑक्सीजन आ गया बच्चे, दो ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो गया। तो यहाँ देखिए इसमें इसमें 2KCl तो रिडक्शन हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है 3O2, तो चूंकि ऑक्सीजन इसको इसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिए हम, तो ये 2KCl से एक ऑक्सीजन बाहर गया ना, तो दोनों अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो गया। यहाँ रिडक्शन हो गया और यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। चलिए बच्चे O3 था, तीन ऑक्सीजन था, यहां पर दो ही ऑक्सीजन हो गया, रिडक्शन हो गया। और कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उपोपचय आपको अभिक्रिया अपचयोपचय नहीं है, रिडक्स मतलब रिडक्शन नहीं है। यहां देखिए क्लियर किया मैंने 2KClO3 और अब ये टूट गया दो भाग में, 2KCl प्लस 3O2 में, मान लीजिए टूट गया, ठीक है। अब जरा बेटा इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2KCl से ऑक्सीजन हटा खत्म हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, तो ऑक्सीजन चूंकि गायब हो रहा है इसीलिए रिडक्शन रिएक्शन है। तो जब ऑक्सीजन हटा तो निश्चित रूप से यहां पर क्या होगा, तो रिडक्शन रिएक्शन होगा, और चूंकि रिडक्शन रिएक्शन होगा तो यहां सीएल की संख्या पहले की अपेक्षा 1 ही है, लेकिन इसमें बात कर रहे हैं इस जो O3 में, O3 में यहाँ पर 3O2 हो गया बच्चे, क्या हो गया 3O2, तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब जरा इस पर बात कीजिए 2KBr और Cl2 में, तो यहाँ 2KCl2 ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये आकर के जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और ये Cl2 से यहाँ पर Br को बाहर निकाल दिया, ये रिडक्शन हो गया। BaCl2, ये देखिए BaCl2 क्या हुआ, ये दो भाग में टूट गया, ये Ba2+ और 2Cl-, और ये दो बार आयनों का विस्थापन हो गया, तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। और इस अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, बच्चे एक और वर्ड यूज करते हैं हम बार बार, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, या द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर है क्योंकि ये देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग में बदलना उदाहरण है। बच्चे मैंने बताया है कि देखिए पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज यह एक प्रकार का, ठीक है, क्या होता है, तो सेब में एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज कहते हैं। ये देखिए ये पॉलीफिनॉल, जैसे ही सेब काटेंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मेलानिन में बदल देता है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये आपको एक रसायन पाया जाता है इसमें, या जैसे ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, तो आपको मेलानिन का निर्माण कर देगा, मेलानिन बना देता है, जिससे भूरा हो जाएगा सेब, भूरा हो जाएगा, भूरा रंग हो जाता है सेब का। सेब का रंग कैसा होगा, भूरा, और इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज कहा जाता है। सेब असत्य फल है जिसका केवल हम थैलमस भाग खाते हैं, आपको पता है थैलमस खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभिक्रिया 2Na+Cl2 2NaCl में, ठीक है, आपको 46 ग्राम सोडियम द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। बच्चे एकदम आसान है, आपको पता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Na+ बन गया, एक ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो रिएक्शन होता है। बच्चे क्लोरीन, उसी तरह से क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ये क्या हो गया, आपको Cl- बना लिया, दोनों के बीच अभिक्रिया से आयनिक यौगिक NaCl का निर्माण होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना त्यागेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर क्या होता है, तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गुना एवोगाड्रो नंबर गुना एक परमाणु द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, एक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग। देखिए ये फॉर्मूला मैंने बना दिया, अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स तो छोटका एम बटा बड़का एम होता है, गुना एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10²³, और सोडियम का एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक कर दीजिए यहाँ पर। अब देखिए 46 ग्राम दिया हुआ, 46/23 गुना 6.022 × 10²³ आ गुना कितना, गुना एक बेटा, चलिए 23×2 = 46 काट दीजिए, क्या आएगा आंसर आपका, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 12.044 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स, या ऐसा भी कर सकते हैं 1.2
0.044 गुना 10^24 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ध्यान में रखिएगा 1.204 × 10^24 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। क्या दिक्कत है बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह को सार्वजनिक दाता कहा जाता है? तो सार्वजनिक दाता ओ निगेटिव को कहा जाता है। बच्चे रक्त जो है, रक्त वर्ग, इसके बारे में किसने बताया? तो रक्त वर्ग के बारे में बताया कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था, लैंडस्टीनर, इन्होंने बताया कि देखिए रक्त चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो रक्त मुख्य रूप से कितने प्रकार के? चार प्रकार के, ए, ठीक है, ए बी, ए बी और ओ। बेटा यह ध्यान में रखिएगा, ओ, ए बी नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, इसीलिए सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है। और इसमें क्या होगा ओ में? तो हैविंग एंटीबॉडी, हैविंग एंटीबॉडी, यानी दोनों एंटीबॉडी इसमें पाया जाएगा, ए और बी दोनों पाया जाएगा, इसीलिए यह दे सकता है सबको, दे सकता है सबको, सबको और सबको। यहां निगेटिव कहने का सेंस क्या है? यह निगेटिव कहने का सेंस है कि आरएच निगेटिव है, मतलब आरएच निगेटिव मतलब रिहेसियस फैक्टर भी इसमें नहीं पाया जाता है। ये आरएच निगेटिव का मतलब हो गया, यानी किसी प्रकार का प्रतिरोध करने वाला पदार्थ नहीं है इसमें। कौन सा चावल, ठीक है, कि किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? बच्चे चावल ओराइजा सेटिवा होता है, ओराइजा सेटिवा। चावल में देखिएगा जब पकाते हैं हम तो लंबा हो जाता है, चावल पकाने के बाद लंबे हो जाते हैं, क्यों? लाइसीन के कारण। चावल पकाने के बाद, पकाने के बाद लाइसीन के कारण लंबे हो जाते हैं, लाइसीन के कारण लंबे होते हैं। और बच्चे आपका जो, आपका जो चावल है, ठीक है, उसमें बासमती में क्या होता है? तो बासमती में एक विशेष प्रकार का कंपाउंड पाया जाता है जिसको 2-एसिटाइल पायरोलीन कहा जाता है, जिसके कारण इसमें विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है, ठीक है। बासमती में सुगंध किसके कारण? तो बासमती में सुगंध होता है किसके कारण? सुगंध होगा, ठीक है, सुगंध 2-एसिटाइल, एसिटाइल पायरोलीन के कारण होता है, पायरोलीन के कारण होता है, तुम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 2-एसिटाइल पायरोलीन के कारण इसमें विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विटामिन सी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चे ग्वाइटर जो होता है, ग्वाइटर जनरली, ठीक है, आपको क्या होगा, थायरोक्सिन की कमी से होता है, थायरोक्सिन, ठीक है। एस्कर्बी विटामिन सी की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से, और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से, ठीक है। तो एस्कर्बी हो गया। विटामिन जो है जैव उत्प्रेरक की भांति काम करता है, ये ध्यान में रखिएगा। एक परितंत्र में लगभग कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोष स्तर से, ठीक है, दूसरे कोष स्तर तक प्रवाहित होता है? तो बच्चे लिंडमान के नियम के अनुसार, लिंडमान के नियम के अनुसार, के अनुसार 10% ऊर्जा का प्रवाह, प्रवाह एक जनरेशन से एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक होता है, से दूसरे पोषक स्तर तक होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कितना परसेंट? 10%। अमोनोकारक जीवाणु परिवर्तित करता है, तो बच्चे नाइट्राइट्स को अमोनिया में परिवर्तित करता है, नाइट्राइट्स को अमोनिया में, इसमें कौन कौन आता है? तो बेसिलस, बेसिलस सुडोमोनास, नाइट्रोमोनास, ये सब आपको जीवाणु आते हैं, जीवाणु इसमें आते हैं बच्चे, नाइट्राइट्स को अमोनिया में बदलता है। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में कितने वर्ष तक बायोपेटेंट प्रभावी बना रहता है?
ठीक है, भारतवर्ष में ठीक है याद रखना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष तक बायोपेटेंट प्रभावी रूप से बना रहता है। ध्यान में रखिएगा बच्चे कि बायोपेटेंट का मतलब क्या हुआ कि लंबे समय तक किसी भी चीज को संग्रहित करके रखना, बायोपेटेंट करके रखना, ठीक है, दूसरा इसका यूज ना कर पाए। ठीक है, तो भारतवर्ष में कितने 20 वर्ष तक बायोपेटेंट प्रभावी रहता है। ध्यान में रखिएगा बायोपेटेंट जो है, ठीक है, बायोपेटेंट पेटेंट के आधार पर कोई अन्य देश या कंपनी इसके सूत्र या गुणों का उपयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, ये बायोपेटेंट हो गया बच्चे, नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कानूनी इजाजत लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो क्या कर सकता है, ये कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।